नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर बाड़मेर जिले के गुड़ा मलानी से है, जहां मुख्यालय पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ उपखंड अधिकारी रामजी भाई कलवी, तहसीलदार विकास सारण, प्रधान बिजला राम चौहान, सीबीईओ ओम प्रकाश कड़वासरा, विकास अधिकारी हरमन विश्नोई, थाना प्रभारी सुजाराम चौधरी, प्रधानाचार्य हितेंद्र सिंह चौहान, संबुदान चारण, ग्राम विकास अधिकारी रघुवीर चौधरी के द्वारा माँ सरस्वती के पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि ब्लॉक स्तरीय ओलंपिक खेल में 7 खेल होंगे, जिसमें 127 टीमें भाग ले रही है तथा 1026 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान बिजला राम चौहान ने कहा कि खेल के निर्णायक सही और ईमानदारी से फैसला ले, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे और साथ ही आपस में वाद विवाद नहीं हो। पूर्व में इसी विद्यालय में ओलंपिक खेल हुए थे, जिसमें विद्यालय की कई सामग्री के साथ तोड़ मरोड़ कर दिया गया था। इस घटना को लेकर प्रधान ने वापस बात दोहराते हुए कहा कि विद्यालय परिसर के पीछे खेल मैदान है, इसलिए कमेटी सदस्य अध्ययनरत छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर ध्यान रखते हुए खेल मैदान में खेल करवाएं, जिससे विद्यालय और बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो। SDM रामजी भाई कलवी ने कहा कि खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेलें, अच्छा प्रदर्शन कर जिला स्तर पर अपने और अपने विद्यालय का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान मंच पर प्रधान को छोड़कर ब्लॉक का एक भी जनप्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। दूसरी ओर खिलाड़ियों के लिए खाने की व्यवस्था के दौरान तेज धूप में खड़ा रहकर बहुत इंतजार के बाद खाना मिला। कार्यक्रम का मंच संचालन उपप्रधान वेनाराम सोनग्रा के द्वारा किया गया। खेल कार्यक्रम में गणमान्य लोग एवं विद्यालय के शारीरिक शिक्षक तथा खिलाड़ी मौजूद रहे। गुड़ामलानी से जोगेंद्र आचार्य की विशेष रिपोर्ट।